बक्कर मंडी बंद रोड पर बस स्टेशन पर शहर से वापस ईद उल फितर मनाने के लिए जाने वालों के रश के बायस परदेशियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ईद उल फितर के मौके पर जहां परदेशियों ने अपने अपने घरों को जाने के लिए बस स्टेशन का रुख किया है, वहीं पर कम ट्रांसपोर्ट होने के बायस उन्हें न सिर्फ टिकट के हुसूल के लिए घंटों खड़ा होना पड़ता है बल्कि उन्हें टिकट भी रात की बस की मिल रही है, जिसके बायस वो परेशान है। मुसाफिरों का कहना है कि ट्रांसपोर्ट के मुनासिब इंतजाम होने चाहिए ताकि उन्हें मुश्किलात का सामना न करना पड़े। उधर मुसाफिरों की कसीर तादाद के बायस बदामी बाग लारी अड्डा पर भी ट्रांसपोर्ट की किल्लत पैदा हो गई है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। मुसाफिरों का कहना है कि ट्रांसपोर्टर ओवरचार्जिंग भी कर रहे हैं। 60 रुपए किराया रेगुलर लिया है, कोई 80 मांग रहा है, कोई 100 मांग रहा है, कुछ इस तरह से ये एक्स्ट्रा पैसे मांग रहे हैं। जो अगर जो चल रहा है किराया रेगुलरली, वो मांगने के बजाय 80 रुपये एक्स्ट्रा मांग रहे हैं। हमारी गाड़ियाँ इधर से 5 गाड़ियाँ अभी आई हैं, एक गाड़ी में 3 सवारियाँ थी, एक में 6, एक में 9, 1200 से ज़्यादा पैसे कोई नहीं उधर से लेके आई गाड़ी। पसीना मेरा देख ले और मैं तब से बैग पहन के चल रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि सिर्फ गाड़ियाँ मिल नहीं रही और बहुत ज़्यादा रश है इस वक्त ना इधर। दूसरी जानब एडमिनिस्ट्रेटर लारी अड्डा आयशा मुमताज अपने स्क्वाड और आरटीए अमले के साथ लारी अड्डे पर मौजूद रहीं। उनका कहना था कि वो मुसाफिरों की शिकायत के अजाले के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही हैं और जायद किरायों की शिकायत मिलने पर बरवक्त कार्रवाई की जा रही है। मुसाफिरों ने मुतालबा किया है कि इंतजामिया ओवरचार्जिंग पर काबू पाने के साथ बसों की किल्लत पूरी करने पर भी तवज्जो दें।